नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महा इंद्रजाल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पौष अमावस्या 2021 के बारे में। पौष अमावस्या 2021 का शुभ मुहूर्त क्या है वो हम जानेंगे, इसका महत्व क्या है वो हम जानेंगे और पौष अमावस्या से संबंधित कुछ उपाय हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि हम जो भी वीडियोस इस चैनल पर डालें वो आपको मिलती रहे। दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार कुल 30 तिथियां होती हैं और अमावस्या हर महीने के मध्य में मनाई जाती है। अमावस्या को नो मून डे के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा आकाश से पूरी तरह से अदृश्य होता है। यह महीने की सबसे अंधेरी रातों में से एक होती है। पौष अमावस्या क्या है? जब हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष के विशिष्ट महीने में कोई चंद्र दिवस या अमावस्या नहीं मनाई जाती है तो उस विशेष अमावस्या को पौष अमावस्या कहा जाता है। यह एक अशुभ दिन माना जाता है जब अन्य दिनों की तुलना में नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां मजबूत होती हैं। पौष अमावस्या को मृत पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब काले जादू को उच्च तीव्रता के साथ किया जाता है। पौष अमावस्या कब है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह के दौरान अमावस्या के 15वें दिन पौष अमावस्या मनाई जाती है। यह दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी या दिसंबर के महीने में आता है। वर्ष 2021 में पौष अमावस्या 13 जनवरी को पड़ रही है। पौष अमावस्या का ज्योतिषीय महत्व क्या है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह 10वां महीना है जो कि देवताओं की पूजा करने और मृत पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पौष माह को सौभाग्य लक्ष्मी मासम के पौष मास के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि धनलक्ष्मी और धन्य लक्ष्मी की पूजा करना शुभ होता है जो पौष अमावस्या की पूर्व संध्या पर देवी लक्ष्मी के दो रूप होते हैं ताकि उनके दिव्य आशीर्वाद प्रचुरता और धन से जातक संपन्न हो सके। पौष अमावस्या के दिन विशेष रूप से कपड़े और भोजन दान करने या अन्न और वस्त्र दान करने से भक्तजन केतु राहु शनि और बृहस्पति ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। इन ग्रहों की अंतरदशा या महादशा के अंतर्गत आने वाले मूल निवासी पौष अमावस्या पर दान और पुण्य करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पौष अमावस्या पर शनि दोष और पितृ दोष से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? जो व्यक्ति शनि दोष या पितृ दोष से पीड़ित हैं, उनके लिए पौष अमावस्या पितरों और मृत पूर्वजों के श्राद्ध समारोह के अवलोकन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। तिल दान, वस्त्र दान, अन्न दान, पिंड दान या दान का कोई अन्य रूप नदी तट, तीर्थ स्थलों और मंदिरों में पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए किया जा सकता है। ऐसे सभी कार्य विद्वानों को याजकों के मार्गदर्शन में करने चाहिए ताकि वे सही तरीके से हो सके और इससे अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सके। पौष अमावस्या पर ग्रहों के हानिकारक प्रभाव को कैसे खत्म करें? बृहस्पति, शनि, केतु और राहु के बुरे प्रभाव को समाप्त करने या कम करने के लिए इस दिन कपड़े और भोजन का दान करना चाहिए। इसमें आप वस्त्र दान कर सकते हैं और अन्न दान कर सकते हैं। व्यक्तियों को काले जादू और बुरी आत्माओं के नकारात्मक प्रभाव से खुद को बचाने के लिए पौष अमावस्या पर खिचड़ी का भंडारा अवश्य करना चाहिए। भक्त पर्याप्त अनुष्ठान करके और पौष अमावस्या पर पूजा करके ढैया परेशानियों, शनिदेव की साढ़े सती और शनि दोष के दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं। दान पुण्य पूजा और पौष अमावस्या के दिन व्रत करने से बृहस्पति और काल सर्प दोष के हानिकारक प्रभाव की तीव्रता भी कम हो सकती है। पौष अमावस्या अनुष्ठान करने और व्रत का पालन करने के क्या लाभ हैं? पौष अमावस्या पर पूजा, प्रार्थना, दान आदि सहित कई अनुष्ठान किए जाते हैं। पौष अमावस्या पर विभिन्न पूजा करने से व्यक्ति घातक बीमारियों को खत्म कर सकता है और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी कई गंभीर समस्याओं से भी उबर सकता है। अकाल मृत्यु को रोकने के लिए व्यक्ति अनुष्ठान करते हैं और पूजा करते हैं। यह समृद्धि में सुधार करने और परिवार में स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। इस दिन अनुष्ठान करने और व्रत का पालन करने से व्यक्तियों को मृत पूर्वजों के आशीर्वाद के साथ साथ
देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। तो दोस्तों ये हमने आपको पौष अमावस्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।